मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में कलेक्टर और एसपी ने निरीक्षण किया। प्रदेश का मुखिया कौन होगा, इसका जवाब चुनाव के बाद सभी को मिल जाएगा। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवार भी अपने प्रचार प्रसार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया सामान्य रूप से हो, कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे, इस हेतु तैयारियां, निरीक्षण व आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसी बीच हम विधानसभा चुनाव 2018 की तैयारियां कैसी चल रही हैं, निर्वाचन प्रक्रिया में कुछ ही दिन शेष हैं और सुरक्षा संबंधी क्या स्थिति है, इन सब की जानकारी ली। देखिए, अब हमारा जो काम है मुख्य रूप से वो है, जो हमारे मतदान दल है उनको हमें प्रशिक्षण देना है, जो आने वाले 3-4 दिन तक चलेगा। हमारी जो मशीनें हैं ईवीएम की, उनमें अब प्रत्याशियों के नाम फिट होना है, उनकी कमीशनिंग होना है क्योंकि अभी सत्य हो चुका है। फिर मतपत्र जो हमको पोस्टल बैलेट भेजना है वो भेजना है, सामग्री सभी तहसीलों में भेजना है, वहाँ वितरण की व्यवस्था करना है और मतदान केंद्रों की अंतिम रूप से व्यवस्था करना है ताकि वहाँ मतदान हो सके। तो अब सारी जो कार्रवाइयाँ हैं, लीगल कार्रवाइयाँ पूरी हो गई हैं, मतदाता जो हमारे प्रत्याशी फाइनल हो गए हैं, अब बाकी जो तैयारियां हैं वो सब करना है जो फील्ड में। देखिए, अब इस समय कल सारे प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं जी, और अब बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग अनुमति ले रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, सभाओं की अनुमतियां समय पे मिल जाए और किसी तरह का जो व्यय संबंधी कोई उल्लंघन ना हो, इसलिए मैं और हमारे एसपी साहब, हम दोनों ने पहले मंदसौर को देखा, फिर मल्हारगढ़, अब हम लोग सीतामऊ जा रहे हैं। तो सभी आरओ के जो ऑफिस हैं उनमें निरीक्षण कर रहे हैं, थाने देख रहे हैं और साथ में बीच में गांव भी देख रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। यहाँ के साथ साथ और कहाँ का दौरा है सर अभी? अभी हम यहाँ से सीतामऊ जाएंगे जी।